जय माँ तुलसी। तुलसी विवाह क्यों कराते हैं कार्तिक के महीने में, और तुलसी के पूजा के नियम किस प्रकार? कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन किया जाता है। तुलसी पूजन कार्तिक के महीने में क्या महत्व रखता है और कैसे करना चाहिए? तुलसी पूजन करने से सुबह शाम पूरे साल हमें कार्तिक के महीने में पूजन करना चाहिए, पूरे वर्ष भर करना चाहिए, कार्तिक महीने में ही करना चाहिए? प्रतिदिन तुलसी की पूजा कैसे करते हैं? देखिए, आपको कुछ जुड़ी बातें आज मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है। विवाह से पहले आपको ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने प्रतिदिन पूजा नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह से पहले आपको ये पूजन अवश्य करना चाहिए। आपको तुलसी माता रानी को एक गमला स्वस्थ अच्छी साफ सुथरी जगह पर आपको माता रानी को बिठाना चाहिए। सारी हल्दी कुमकुम ये सारी चीज़ें जो होती है, हमें सबसे पहले माता को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में सिंदूर शादी के बाद लगाया जाता है, जब आप विवाह कर लेते हैं। नंबर दो, आपको तुलसी को लाल चुंदड़ी उड़ा कर रखनी है, जो आपने पहले से उड़ा रखी है। कभी भी तुलसी माता को खाली ऐसी गमला या तुलसी माता नहीं रखते हैं, उसको चुंदड़ी उड़ा कर रखते हैं। और ये चुंदी हमें नई, जब हम विवाह कराते हैं हमें नई चुंदी माता को अर्पित करनी है। एक दिया ले लीजिए या तो मिट्टी का ले लीजिए, इस तरह से आपका बड़ा है। अगर आप पूरे साल दिया लगाते हैं तब ठीक है, नहीं लगाते हैं तो आपको 365 बाती का दिया आपको कार्तिक महीने में देव उठनी विवाह से पहले एकादशी पर दिया जरूर अर्पित करना चाहिए। माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप तांबे का भी ले सकते हैं और माता को आपको पूरी तरीके से पूरे फूल दीप अक्षत्र के साथ में आपको धूप दीप माता की पूजा करनी चाहिए। अब अक्षत्र पूजा में एकादशी के दिन नहीं रखे जाते हैं, माता की पूजा नहीं की जा सकती है, तो इस दिन आप हल्दी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हल्दी का प्रयोग करने से भगवान विष्णु भी प्रभावित होते हैं। और यहाँ माँ तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। इस विवाह को आप अपने घर पर भी करा सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं, या आप स्वयं भी खुद कर सकते हैं। अगर आप मासिक धर्म में है, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो किस प्रकार करेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। और देख आप वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि मासिक धर्म में आप तुलसी विवाह कैसे कराएं। यहाँ माता रानी को विराजमान कर रखा है आपने। अब पूरे माता को सिंदूर के साथ ना लगाकर आपको चंदन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि चंदन भगवान को लगाया जाता है। आपको गमले पर स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक आपको रोली से लगाना है, रोली से आपको घोलकर उसका पेस्ट बनाकर आप स्वास्तिक बना लीजिए। दोनों तरफ से उसको बंद कर दीजिए, यानी सीधी लाइन खींच दीजिए, उसको कहते हैं बंद करना। स्वास्तिक ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में आपको भोग में भी प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और इस तरह से बनाने के बाद आपको दिया प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, दिए के नीचे आपको कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए, खाली दिया जमीन पर नहीं रखते हैं। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा जल मात्रा अनुसार, मतलब ज़्यादा जल नहीं दीजिए, थोड़ा सा जल आप जरूर अर्पित कीजिए। और उसके बाद में आपको जल अर्पित करने के बाद में दिया जो है जमीन पर नहीं रखते हैं, दिए के नीचे आपको पंखुड़ी यानी जो फूल होते हैं उन्हें रखकर आप रखा दीजिए। थोड़ी से आपको प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद में आप दाना, इलायची दाना होता है, बतासे होते हैं, जो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी मीठे में अवश्य थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। माता को फूल अर्पित करिए, पीले फूल अर्पित करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। आपको पीले फूल माता को अर्पित कर दीजिए। थोड़ा हर चीज आपको धूप लगाकर आपको माता को थोड़ी सी आपको हल्दी लगानी है। हल्दी आप सामर्थ्य अनुसार ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप स्मरण करते रहिए और माता को हल्दी लगाते रहिए। ऐसा करने से आपको काफी पुष्प की प्राप्ति होती है, पूरे साल की पूजा का फल मिल जाता है। देखिए, सभी लोग कहते हैं कार्तिक के महीने में 365 बाती का लगाया जाता है, दीप दान किया जाता है। दान करना कार्तिक के महीने में बड़ा ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु कार्तिक के महीने में निंद्रा से उठते हैं। सारे मांगलिक कार्य जो हैं कार्तिक के महीने में किए जाते हैं, शादी मुंडन विवाह ये सारी चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं। कार्तिक भगवान जो है कार्तिक के महीने में वो उठ जाते हैं, तो सारे त्यौहार प्रज्वलित होने लगते हैं, सारे त्यौहार बनाए जाने लगते हैं। तो ऐसे में कार्तिक का जो महीना वो दान करने का पूजा करने का बड़ा ही पवित्र महीना, पूरे साल का पवित्र महीना एक कार्तिक का महीना होता है। ऐसे में आपने जो दिया अर्पित किया है, तिल के तेल का भी कर सकते हैं, देसी घी का भी कर सकते हैं,
और आपको जब नीचे आप पूजा करते हो तो कुछ लोग है कि दिया रख के ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए शाम को आपने अगर आपने सुबह शाम पूजा की है तो आप खाली दिया, बुझा हुआ दिया माता के पास ना छोड़े, थोड़ी देर बाद आप वहां से हटा ले, दिए को तुलसा के पास रखें, दूर रखें, यानी उनके पास ना, अगर वो जल जाती, देखिए इतना पुण्य नहीं मिलता जितना पाप लगता है, तो जलनी नहीं चाहिए, दूर रख दीजिए, उसके बाद हटा लीजिए। थोड़ा सा मीठा भोग अवश्य रखिए, घर पर भी बना सकते हैं, बाहर से भी, कुछ नहीं मिले तो आप शक्कर यानी चीनी जो होती वो भी, लेकिन मात्रा थोड़ी ही चढ़ाएं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फिर चींटियां होने लगती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना कि थोड़ा सा बेकार चीजें भी ना हो आपके घर पर, और इधर उधर थोड़ी गंदगी नहीं होनी चाहिए। माता के पास आपको चप्पल जूते या ऐसी कोई भी गंदी चीजें नहीं रखनी चाहिए, नुकीली चीजें नहीं रखनी चाहिए, प्लास्टिक से संबंधित चीजें वहां पर नहीं रखनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। देखिए अब बात करते हैं कि सबसे पहले नहा धोकर हमें भगवान माता तुलसी को जल देना चाहिए या सूर्य को जल देना चाहिए। देखिए नहाने के बाद सबसे पहले हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए, उसके बाद कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और माँ तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको काफी फलों की प्राप्ति होती है। यही बात करते हैं, ये थी पूजा की, और उसके बाद में आपको आरती करनी है। तुलसी जी की आरती कर सकते हैं, कार्तिक भगवान की यानी कि विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, जो भी आपको याद है वो वाली आरती कर सकते हैं, या आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं या कोई बुक भी ला सकते हैं। अगर आपको आरती याद नहीं है, श्री लक्ष्मी या आम ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करते हुए आपको श्री श्री ओम हरि श्री हरि से जो भी आप बोलना चाहें, सच्चे मन से सच्चे हृदय से आप उनकी आरती उतार कर आरती देकर उसके बाद में आपको विवाह संपन्न कराना चाहिए। पूरे साल की पूजा का फल आपको कार्तिक के एक दिन की पूजा में मिलेगा, तुलसी की पूजा करने से। कुछ लोग हमेशा, अगर जिन लोग सुबह शाम नित्य ही दिया अर्पित करते हैं तुलसी को, तो वो इस पूजा को ना भी करें तो भी चलेगा, और जो लोग करते नहीं हैं तो उनको तो अवश्य ही इस पूजा तुलसी पूजा करनी चाहिए पहले, उसके बाद विवाह संपन्न कराना चाहिए। कहते हैं आप एक बार जरूर तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए, काफी फलों की और पुष्प की प्राप्ति होती है।